सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हर वीडियो का अपडेट मिल सके। लाखों इंसान दुआएं कर रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, और फिर भी उम्मत जलील है, उम्मत जलील है, उम्मत मजलूम है, उम्मत पर दुश्मन मुसल्लत है, उसमें उम्मत को पैरों की ठोकरों में रखा गया है। क्यों ऐसा हो रहा है? इसलिए कि आपस में लड़ रही है, खाना जंगी, फितना परदाजी, मस्जिद मस्जिद लड़ाई, मदरसा मदरसा लड़ाई, तंजीम तंजीम में लड़ाई, ये लड़ाइयां हैं जिसने आज हमें जिल्लत से हमकिनार किया है। और अल्लाह ने पहले ही कह दिया था, वला तनाजाऊ फतफशलू वतذهب ريحكم, आपस में मत झगड़ना वरना नाकाम हो रहा हो जाओगे, पसपा हो जाओगे, ना मुराद हो जाओगे, हवा उखड़ जाएगी। तो वो अल्लाह जो हाकिम भी है, कानून साज भी है, खालिक भी है, उसी ने बनाया, जब वो खुद ही कह रहा है तो फिर अब आप अपनी शिकायत लेके कहां जाएंगे? अपने से शिकायत कीजिए, अपने को मलामत कीजिए, अपने गरेबान में झांकिए और कहिए कि ए सियाह दिल, ये सारे करतूत तेरे हैं। अपने दिमाग से कहिए कि ए काले दिमाग, ये सारे करतूत तेरे हैं। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने तमाम मुसलमानों की मिसाल जिस्म के आज़ा से बयान फरमाई, इरशाद फरमाया, मसलुल मुमिनीन फी तवाद्दिहिम व तराहुमिहिम व तआतुफिहिम कमसलिल जसदिल वाहिद इज़ा इश्तका मिन्हु उद्वुन तदाअ लहू साइरुल जसद बिस्सहरि वल हुम्मा। इरशाद फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ईमान वालों की मिसाल आपस की मोहब्बत में, आपस की रहमदिली में, आपस की शफकत और ताल्लुक में ऐसी है जैसे जिस्म के आज़ा की, जिस्म के किसी उज्व को तकलीफ पहुंचती है। फरमाया हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि सारा जिस्म उस तकलीफ के एहसास में शरीक होता है। इंसान बेदार होता है, नींद नहीं आती तो पूरे जिस्म को नींद नहीं आती, और बुखार आता है तो पूरे जिस्म को बुखार आता है। तो जैसे ये है वैसे ही मुसलमानों को, सारे मुसलमानों को, अमेरिका के किनारे से न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया और फिलिपाइन और जापान और दुनिया के जितने भी खित्ते शिमाल में, जनूब में, मशरिक और मगरिब में है, उम्मत मुस्लिमा को इस तरह रहना है, सबके दरमियान ताल्लुक ऐसा होना है जैसे जिस्म का ताल्लुक, हर उज्व का ताल्लुक पट्टों के जरिए, नर्व सिस्टम जो बनाया गया है उसके जरिए दिमाग से कायम है, और दिमाग का ताल्लुक पूरे जिस्म से कायम है, इसी तरह ताल्लुक।